नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। सुबह की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के साथ। एनएमडीसी के अधिकारियों से मिले मुड़ामी, पेयजल सहित क्षेत्र के अन्य विषयों पर की चर्चा। बता दें कि दंतेवाड़ा जिला के विभिन्न क्षेत्र से पेयजल की समस्या लगातार सुनने और देखने को मिल रही है। कई ग्राम पंचायतों में नल तो खुदे हैं पर उसके मरम्मत नहीं होने की वजह से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ग्रामीणों को नदी और कुएं का पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी एनएमडीसी बचेली के अधिकारियों से मिले और उनको इस समस्या से अवगत कराया। एनएमडीसी द्वारा खोदे गए हैं हैंडपंप खराब होने पर मरम्मत नहीं किया जा रहा है। पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है क्योंकि एनएमडीसी द्वारा हैंडपंप तो खोदा गया है मगर पंप को पीएचई विभाग के अधिकारी सुधारने से मना करते हैं। ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में लगातार विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीण आज मुड़ामी से मिलकर अपनी पेयजल की समस्या को बताए हैं। पेयजल की समस्या लेकर आज मुड़ामी एनएमडीसी के अधिकारियों से मिले और उसे सुधारने हेतु आवेदन पत्र सौंपा। ए न्यूज टुडे से लाल साह की रिपोर्ट। जवाबदारों की लापरवाही तो नागरिकों की परेशानी। आए दिन वाटर एटीएम की खराबी, फिल्टर पानी के लिए नगरवासी हो रहे परेशान। 19 लाख की लागत से दो स्थानों पर लगा है वाटर एटीएम, लोगों के बीच अनावश्यक हो जाता है विवाद। सिक्का है तो पानी नहीं, पानी है तो मशीन खराब। पूरा मामला बेमेतरे शहर का है जहां पर पीने के पानी के लिए लगाए गए वाटर एटीएम में आए दिन खराबी की समस्या से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। वहीं नगरवासी पानी भरने के लिए लगा रहे घंटों तक लाइन। देखा गया है कि आए दिन मेंटेनेंस के अभाव में कभी सिक्का डालने में दिक्कत आती है तो कभी मशीनों की खराबी की समस्या बनी रहती है। बता दें कि नगर पालिका के देखरेख में शहर के अंदर दो जगहों पर लगभग 19 लाख रुपए की लागत से वाटर एटीएम लगाया गया है जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर 5 लीटर फिल्टर पानी लिया जा सकेगा। लेकिन इन दिनों दोनों जगहों पर आए दिन मशीन खराब हो जाते हैं जहां पानी भरने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। एक मशीन के खराब हो जाने पर दूसरे स्थान के वाटर एटीएम में काफी भीड़ लग जाती है जिसके चलते अनावश्यक विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। जवाबदारों को मशीन की खराबी की जानकारी दिए जाने के बाद भी आज 7 दिनों से लोग परेशान चल रहे हैं। वहीं वाटर एटीएम ऑपरेटर का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा सुचारू रूप से पानी सप्लाई नहीं किया जाता है। कई जगह पाइपलाइन टूटा है जिसको नगर पालिका के द्वारा हल्का फुल्का रिपेयरिंग करवा दिया जाता है। बाद में स्थिति फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है जिसके कारण पानी नहीं मिलने की समस्या उत्पन्न होती है। अब देखना यह होगा कि आखिर जवाबदारों की लापरवाही से कब तक जनता ऐसे ही परेशान रहेगी या फिर जल्द से जल्द उसका समाधान होगा। भरने के लिए फिल्टर पानी भरने के लिए आए तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर लाइन लगाए हैं, 2 घंटे खड़े हैं और पानी ऐसा चल रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। आज 5वां दिन है मेरा जो खाली डब्बा लेके जाता हूँ रोज। ए न्यूज टुडे से सुरेंद्र धीवर की रिपोर्ट। भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने का काम एलडीएम के द्वारा। मुंगेली विधानसभा के ब्लॉक कमेटी जराहा गांव का मासिक बैठक एवं एलडीएम के तहत बीसीटी टीम की बैठक मुंगेली विधानसभा एलडीएम समन्वयक पूनम पांडे की गरिमामयी उपस्थिति में समरसता भवन जराहा गांव में संपन्न हुआ। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र साहू एवं ब्लॉक के पदाधिकारी एवं बीसीटी टीम के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से ब्लॉक संगठन को मजबूत करने एवं लीडरशिप डेवलपमेंट मशीन के संबंध में विशेष रूप से चर्चा किया गया। 9 साल बेमिसाल थीम पर हो रहे लाभार्थी सम्मेलन। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण आधारित है मोदी जी की सरकार। किशोर महानंद बीजेपी प्रदेश मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे महासंपर्क अभियान की कड़ी में आज उत्तर विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन फाफाडीह के पाटीदार भवन में किया गया जिसके मुख्य अतिथि रायपुर सांसद सुनील सोनी थे और सम्मेलन अध्यक्षता बृजमोहन अग्रवाल ने किया। लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुनील सोनी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमारे मोदी सरकार के माध्यम से लाभान्वित लाभार्थियों का सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। आप सभी लाभार्थियों के आशीर्वाद की ताकत से ही मोदी जी देश की सेवा में दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। आप सभी का विश्वास उन्हें राष्ट्रहित में काम करने की प्रेरणा देता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कालनेमी के जैसे छलने का काम कर रही है और केंद्र की मोदी जी की सरकार के कार्यों का भूमि पूजन कर नाम कमाने की असफल कोशिश कर रही है।
आदि पुरुष मूवी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान। यदि रामायण के राम और हनुमान जी के चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, यह असमानता है। इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान के संस्कृति में शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। जन जन में बसे हैं राम, उनके प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसके विपरीत कुछ भी होता है तो उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। आदि पुरुष मूवी को लेकर मंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने देख लिया है और यदि लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो इस पर निर्णय लेना चाहिए। नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के ऑडिटोरियम हॉल के आयोजित सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कबीर जी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है और विभिन्न जाति के लोग कबीर पंथ को मानते हैं। कबीर जी परंपरा कृत हैं, उन्होंने पूरे समाज को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। कबीर की परंपरा के मानने वाले काफी संख्या में मौजूद है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है कि ना देखने जाए। पैसा आपका है, समय आपका है, आप जिसमें व्यतीत करना चाहते हैं वो भी आपका है। जब हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है तो वहां ना जाएं। इसके लिए सेंसर बोर्ड है, उसे देखना चाहिए था। जो महापुरुष है, जो हमारे आराध्य हैं, उसके मुख से इस प्रकार के शब्दों का बुलवाना उचित नहीं है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिसको सबसे अच्छा तरीका है कि अब सुन तो लिए सब, ना देखने जाए, जबरदस्ती क्या किसी को देखना। पैसा आपका है, समय आपका है, आप किसमें व्यतीत करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात है तो उस जगह ना जाए। जिला अस्पताल में विशेष कैंसर जांच शिविर हुआ संपन्न, मरीजों ने करवाया स्क्रीनिंग। बता दें कि बलौदा बाजार में कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला अस्पताल में स्तन और गर्भाशय कैंसर के जांच हेतु विशेष शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 350 से अधिक मरीजों ने अपना चेकअप करवाया। शिविर में रायपुर एम्स और अंबेडकर अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP महेश्वर ने बताया कि शिविर हेतु जिले भर में विशेष तैयारी करते हुए ग्राम स्तर में मितानिन, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संदेहास्पद मरीजों को जांच शिविर में लाया गया। इसके लिए विभाग द्वारा परिवहन के साधनों के साथ साथ हितग्राहियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन द्वारा भी संदेहास्पद मरीजों को भेजा गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी ने बताया कि शिविर में कुल 327 की OPD रही, जिसमें गर्भाशय कैंसर के लिए 210 और स्तन कैंसर के लिए 108 की जाँच की गई। 40 लोगों के स्तन की सोनोग्राफी भी हुई। 7 लोगों का थर्मो एबिलेशन डॉक्टर सुभी द्वारा किया गया। कुल 32 लोगों का पेप्समियर और 6 लोगों का बायोप्सी हेतु नमूना रायपुर जांच हेतु भेजा गया। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ टुडे से अमृत सिंह की रिपोर्ट। तालपुर इंटरनेशनल कॉलोनी में की गई कार्रवाई, 25 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा। 1888 घरों को की गई जांच। बिलाई के तालपुर इंटरनेशनल कॉलोनी में पुलिस ने 1888 मकानों की आज पुलिस ने सघन जांच की। जांच के दौरान पुलिस को गांजा, हुक्का और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित कई ऐसे सामान मिले जो संदिग्ध है। छापे के दौरान पुलिस ने 25 से भी ज्यादा लोगों को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया है, साथ ही कुछ प्रेमी जोड़ों को भी पकड़ा है। न्यूज़ टुडे से अमृत सिंह की रिपोर्ट। नक्सलियों से लोहा लेने बस्तर फाइटर तैयार, गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग हुई पूरी। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बस्तर के युवाओं की विशेष टीम तैयार है। लंबे समय से नक्सलवाद का डंस झेल रहे बस्तर को अब यहां के स्थानीय युवा मुक्त कराने में अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि नक्सलियों की कब्र खोदने के लिए इन बस्तर फाइटर्स ने बेहद कठिन गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। बस्तर से चुने गए लगभग 640 बस्तर फाइटर्स को पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद नक्सलियों के खिलाफ गोरिल्ला वार पैटर्न से लड़ाई लड़ने 47 दिन के एडवांस ट्रेनिंग के लिए जंगलवार कॉलेज भेजा गया है।
2 मई से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में बस्टर फाइटर को फायरिंग, रेड, आरओपी, पेट्रोलिंग, एम्बुश, एमएमसीपी, बम से बचने, सिविक एक्शन की विशेष ट्रेनिंग दी गई। 16 जून को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें मैदान जंग में भेजने से पहले बम ब्लास्ट व बंदूक की गोलियों की गूंज की दहशत खत्म करने के लिए डेमो भी दिया गया। 100-100 की संख्या में फायरिंग रेंज में उतरे इन फाइटर्स के 15 फीट ऊपर से ट्रेनरों ने LMG से गोलियां चलानी शुरू की। आगे बढ़ते ही एक के बाद एक IED ब्लास्ट भी किए गए। हालांकि इनमें 2 जवान मामूली रूप से घायल जरूर हुए, लेकिन उनके हौसले कम नहीं थे। बाकी जवानों ने फिर शुरुआत की और आगे बढ़ते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की। बस्तर फाइटर्स की आपने सुना होगा कि ये बस्तर के जो जवान हैं, ये बस्तर ही के इलाके के जो जवान को चुन के ट्रेन करके एंटी नक्सल ऑपरेशन में इनको भेजा जाएगा। तो ये लोग कमांडो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और 640 इनकी नफरी है और बस्तर के सारे जिले से आए हुए हैं। एन्यू टुडे से लाल साह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के विधायकों ने यहाँ की पवित्र मिट्टी और महानदी का जल देश के नाम किया समर्पित। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन NLC भारत के दौरान छत्तीसगढ़ के विधायकों ने भी वहां पर राज्य की पवित्र मिट्टी और महानदी का जल देश को समर्पित किया है। इस संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि मुंबई में आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सहित समूचे भारत के समस्त राज्यों के 2800 विधायकगण शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में लोकतंत्र में नीति निर्माण, विधायिका को मजबूती, सदन में विधायकों की भूमिका और कार्यभार जैसे विषयों पर मंथन तो किया जा रहा है, साथ ही भारत की एकता अखंडता को और मजबूत बनाए रखने के लिए दलगत भाव, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को बल देने का भी प्रयास हो रहा है। इसी तारतम्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण की भावना के साथ देश भर के विधायकों से साथ में मिट्टी और नदी का जल लेने की आग्रह किया गया था। यहाँ पहुंचे हम छत्तीसगढ़ के विधायकों ने भी अपने राज्य की पवित्र मिट्टी और महानदी का जल माँ भारती के नाम पर समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।